दोस्तों, अगर आप भी YouTube पे काम करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है रीयूज कंटेंट की। कई बार हम लोग अपना चैनल भेजते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन हमारा चैनल ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका चैनल पे रीयूज कंटेंट है, जिस कारण से आपका हम चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। असल में रीयूज आता क्यों है, तो रीयूज आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोग कहीं और से वीडियो डाउनलोड करते हैं और एट इट इज उसको अपलोड कर देते हैं। उसमें हम लोग कोई अपना वैल्यू नहीं ऐड करते। वैल्यू का मतलब ये है कि जब भी आप किसी की वीडियो लेते हैं, मान लीजिए आपने मेरी ही वीडियो उठा ली 2 मिनट की, अब 2 मिनट के आगे और पीछे अगर आप अपना कमेंट्री कर देते हैं उसमें कि दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस बारे में उस बारे में, तो उस तरह से अगर आप 2 मिनट की वीडियो उठाते हैं और 2 मिनट या 3 मिनट अपना ऐड करके टोटल 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसके आगे पीछे आपको अपना बोलना है, जो भी चीजें आपको बोलनी है, चाहे चेहरा दिखा के बोलना है या फिर वॉइस ओवर करना है, तो फिर आपको रीयूज की समस्या नहीं आएगी। कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे रीयूज कंटेंट की बात कर रहा हूँ जो कि YouTube की पॉलिसी में लिखा हुआ है। और वहीं अगर आप सीधे डाउनलोड करते हैं किसी की भी वीडियो और तुरंत उसको आप अपलोड कर देते हैं बिना कुछ किए हुए, या फिर मान लीजिए कोई वीडियो आप खुद शूट करते हैं, कहीं शादी हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, उसको आप खुद भी शूट करते हैं, अपने कैमरे से आप शूट करते हैं, लेकिन उसमें आप किसी तरह का वॉइस ओवर नहीं करते हैं, आवाज नहीं डालते हैं, जिस तरह से मैं इस वीडियो में आवाज डाल रहा हूँ अपनी, उस तरह से आप आवाज नहीं डालते हैं, उस वीडियो को आप उसी म्यूजिक के साथ आप अपलोड कर देते हैं या फिर उसमें कोई आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगाते हैं, तो वो भी रीयूज कंटेंट के तहत ही आएगा, भले ही उस वीडियो को आपने शूट किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने किसी और वीडियो इस्तेमाल की वो भी रीयूज है, लेकिन अगर कोई चीज हो रही है कहीं भी, आपने अपना कैमरा उठाया, आपने शूट कर लिया वीडियो को और उस वीडियो को भी अपलोड करेंगे तो सेम चीज आएगी। तो जब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर रीयूज कंटेंट आता है, फिर नीचे आपको एक स्टार्ट अपील का ऑप्शन दिखाई देगा। अपील करके आपको ये बताना पड़ता है कि जितने भी वीडियो मेरे चैनल पे हैं वो सारे वीडियो मेरी खुद की है, खुद मैंने बनाया है, खुद मैंने उस पे एडिटिंग की है, वॉइस ओवर किया हुआ है, सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। बताने के बाद जब अपनी आप अपील को सबमिट करेंगे तो वहां से फिर YouTube की टीम चेक करेगी। चेक करने के बाद अगर उनको लगता है कि आपके बात में दम है, आपका कहना सही है, कंटेंट सारा आप ही का है, फिर वो आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगी। और अगर उनको लग गया ऐसा कि कंटेंट आपका नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आपके चैनल को वो मोनेटाइज नहीं करेंगे, आपकी अपील को रिजेक्ट कर देंगे। जब भी आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ जाए और आपको अपील करने का मौका मिले, तो उससे पहले अपने जितने भी वीडियो आपने अपलोड की है उसमें कोई भी छेड़छाड़ मत करिएगा, किसी का थंबनेल चेंज मत करिएगा, किसी का टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन चेंज मत करिएगा और कोई भी वीडियो अपलोड मत करिएगा। जिस हाल में आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आया है उसी हाल में चैनल होना चाहिए, फिर आपकी अपील जो है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। मैं बता दूं कि मेरे दूसरे चैनल पर रीयूज कंटेंट आया था, लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि सारी वीडियोस मैंने खुद शूट की थी और वीडियो में कुछ न कुछ हो रहा था, मैंने उसमें अपनी आवाज नहीं लगाई थी, मैंने कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा दिया था और म्यूजिक लगाने के बाद मैंने अपनी वीडियो को अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद मोनेटाइजेशन के लिए भेजा, वहां से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद मैंने अपील वीडियो बनाई, अपील मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के मात्र 8 से 9 घंटे बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, जो कि अभी भी मोनेटाइज है। तो अगर आपने खुद से वीडियो शूट की है और म्यूजिक आपने लगा दिया है, आवाज आपने भले न डाला हो, तो फिर आपके पास थोड़ा बहुत चांस है कि यूट्यूब की टीम हो सकता है कि आपके चैनल को मोनेटाइज कर दे। तो अपील वीडियो किस तरह शूट करनी है, क्या क्या बोलना है उसमें, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं कि जब भी अपील वीडियो शूट करिएगा तो उसमें किसी तरह कोई एडिटिंग मत करिएगा, एक टेक में वीडियो शूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम शब्दों में आपको अपनी बात करनी है, आपको पूरी कहानी नहीं बतानी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लंबी वीडियो बनाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं रहेगा। 1 मिनट के अंदर आपको अपनी बात बता खत्म करनी है। तो वीडियो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से मैंने बना के अपने चैनल को मोनेटाइज कराया है, उस वीडियो को देख के आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। नमस्कार यूट्यूब टीम, मैंने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, जिसे कि ये कहते हुए कल शाम को रिजेक्ट किया गया है कि आपके चैनल पर जो है रीयूज कंटेंट है, आपने जो वीडियोस डाले हैं वो रीयूज है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे इस समय 832 वीडियोस अपलोड हैं, 832 के 832 वीडियोस मैंने खुद शूट की हैं उसी मोबाइल से जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो जो रीयूज का
का इश्यू आया है, तो बताना चाहता हूँ कि मैंने कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो या कोई अदर प्लेटफॉर्म से, मैंने कोई भी वीडियो या फिर कोई भी क्लिप मैंने उठा के अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया है। सारे के सारे वीडियोस मैंने खुद शूट किए हैं। कुछ वीडियोस में मेरी जरूरत थी तो मैं अपना फेस भी दिखाया हूँ, कुछ वीडियोस में मेरे वॉइस की जरूरत थी तो मैंने वॉइस भी डाला है, और कुछ वीडियोस जो कि वाइट रेड्स की है उसमें मेरी जरूरत नहीं थी तो मैंने ऐसे ही एडिट अपलोड किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, और जो म्यूजिक मैंने इस्तेमाल किया है वो यूज किया है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से। तो सारी के सारे जो कंटेंट हैं 832 के 832 वो मैंने खुद शूट किए हैं, ना कि कहीं और से मैंने उठा के अपने चैनल पर डाला है। तो मैं चाहूँगा यूट्यूब टीम से कि एक बार फिर से मेरे चैनल को रिव्यू किया जाए और इसको मोनेटाइज किया जाए, क्योंकि 832 वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। तो मैं निवेदन के साथ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को एक बार फिर से रिव्यू किया जाए और मेरे चैनल को मोनेटाइज किया जाए। तो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब टीम।